तो ये हमारा आप थर्ड क्वेश्चन है यहां पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वेयर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया यानी यहां पे हमने फंक्शन नोटेशन में इन यहां पे हमें सारे फंक्शन वर्ड्स में दिए हुए और उनको हमने मैथमेटिकली फंक्शन फॉर्म में लिखना तो है तो फर्स्ट पार्ट है द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्र इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए तो यहां पे हम दो क्वांटिटीज लेंगे एक स्क्वेयर है उसका पेरीमीटर और उसका एरिया तो सॉल्व करते हैं सपोज तो आपके पास ये एक स्क्वायर हम ले लेते हैं सपोज ये एक स्क्वायर है ओके okay? स्क्वायर का मतलब ये है कि इसकी सारी साइड की लेंथ सेम होगी सपोज एक्स 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 और वेट दोनों सेम होंगी तो ये स्क्वायर है तो अब देखिए इस स्क्वायर के लिए इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या पेरीमीटर जो P होगा वो क्या होगा पेरीमीटर का मतलब क्या होगा तो टोटल बाउंड्री लेंथ तो टोटल बाउंड्री लेंथ क्या होगी इन सारी लेंथ को एड करें x प्लस x प्लस एक्स प्लस एक्स विच इज 4x। और अब एरिया क्या होगा इसका एरिया ऑफ स्क्वेयर लोग पता है कि लेंथ का स्क्वेयर तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर तो ये है A, ओके तो यहां पे हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि यहां हमारे पास जो इसका जो पेरीमीटर है P इज इक्वल टू फोर एक्स इन एरिया ए इज इक्वल टू एक्सर अब हमने इन दो इक्वेशंस में से अब हमने किसको लिखना है पेरीमीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है इसका मतलब यह है कि अब हमने P को इन टर्म्स ऑफ A एक्सप्रेस करना है तो कैसे हम करेंगे क्या हमने यहां पे हमने x को इस तरह एलिमिनेट करना है फर्स्ट इक्वेशन में से ताकि यहां पे a आ जाए ओके सो p को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है तो तो p इन टर्म्स ऑफ a लिखना है ओके okay? so, यहां पे देखिए a की वैल्यू एक्स स्क् सो यहां से अगर आप देखें सो फ्रॉम हियर दिस कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो दिस एरिया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x तो दोनों तरफ देखें अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं एक्स स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा और ए का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट और अगर ये एक्स की वैल्यू में उठा के फिर क्या करूं यहां पे प्लग इन कर दूं. ये एक्स की वैल्यू उठा के मैं यहां पे प्लग इन कर इसका मतलब क्या होगा के सो पी इज इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स और यहां एक्स की क्या वैल्यू बनी है हमारे पास सो एक्स इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ ए और अगर ये एक्स की जगह हम प्लग इन कर दें तो पी इज इक्वल टू फोर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए तो देखिए इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि पी अब डिपेंड कर रहा है किस पे ए पे तो पी को हमने इन टर्म्स ऑफ ए लिखा है सो दिस एम्प्लाइज यहां पे पेरीमीटर पी इज फंक्शन ऑफ द एरिया ए तो ये हमें करना दिस इज द आंसर ओके सो पी इज इक्वल टू फोर टाइम्स A इस तरह फिर सेकेंड पार्ट हमारे पास पार्ट बी क्वेश्चन का अब हमने द एरिया ए ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस तो सर्कल लेना है उसके एरिया और सरकमफेरेंस ओके okay? आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है एरिया ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई टाइम्स आर स्क्वायर ओके पाई टाइम्स आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस क्या होता है सरकमफेरेंस बेसिकली पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है

ओके okay, यह यहां पे फर्स्ट इक्वेजन के अंदर हमने आर को एलिमिनेट करना है ताकि यहां पे सी आ जाए ओके okay? तो यहां से हम देख सकते हैं कि देखें से ये सेकेंड है फर्स्ट है सो फ्रॉम यहां से मैं अगर आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगा सी बाई टू पाए इज इक्वल टू आर ये बात है आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बाय टू पाए और ये आर की वैल्यू उठा के अगर मैं फर्स्ट क्वेजन में पुट कर दू सो पुट इन वन तो वन में क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाए टाइम्स की वैल्यू है सी बाय टू पाए का स्क्वेयर तो ये क्या हो जाएगा सो पाए टाइम्स सी स्क्वेयर बाय फोर पाए स्क्वेयर यहाँ पे हमने स्क्वायर कर लिया सी स्क्वेयर बाय फोर पा स्क्वेयर अब देखिए यहां पे ये एक पाए जो है वो ये एक पाए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा सी स्क्वेयर बाय फोर पाई ओके इट मीन्स के एरिया क्या होगा सो एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वेयर बाय फोर पाई यहां पे देखिए हमने एरिया को इन टर्म्स ऑफ सरकमफ्रेंस सी लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एरिया इज फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस सी तो ये बेसिकली हमारा आंसर होगा टू सी स्क्वेर बाय फोर पा अब हम आएंगे ठीक है सी पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं देखिए सी में द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब अब हमने क्यूब लेना है तो क्यूब आपको पता है कि जिस तरह टू डायमेंशन में आपके पास स्क्वायर होता है जिसकी लेंथ लेंथ और विड्थ सेम होती है इस तरह थ्री डायमेंशन में जो आपके पास एक बॉक्स uh, होता है ठीक है और बॉक्स की अगर लेंथ विड्थ और हाइट तीनों सेम हो तो उसको हम क्यूब कहते हैं ठीक है क्यूब एक थ्री डी बॉक्स है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम है ओके तो क्यूब की जो का जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है जी

बेसिकली तो इस तरह की शेप बनेगा तो यहाँ पे ये भी x x और x अब इसका जो बेस होगा बेसिकली वो एक स्क्वायर होगा x टाइम्स x तो ये x है ये भी x है अब इसका जो बेस एरिया होगा बेस एरिया a जो होगा वो होगा x स्क्वायर तो से क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन होगी अब अपने किसको लिखना है जी द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया a बेस एरिया a अब हमने ये नहीं क्या करना है v को इन टर्म्स ऑफ a लिखना है ठीक है अब हम सेकेंड इक्वेशन से तो यहां पे देखें फ्रॉम टू यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी अगर हम a इज इक्वल टू एक्स स्क् दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ए स्क्र रूट इज इक्वल टू एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a सो पुट इन वन तो वन में ये x की वैल्यू यहां पर क्या बन जाएगा वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि ये a की पावर है और क्यूब है जब पावर की पावर आएगी तो आपको पता है क्या होता है जब पावर की पावर आ जाती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है पावर तो आ जाएगी थ्री बाई टू इट मीनस वी इज इक्वल टू ए टू दावर थ्री बाई टू यहां देखिए हमने v को इन टर्म्स ऑफ a लिख दिया नहीं। v डिपेंड्स ऑन a यहां पे हमने लिख दिया कि v इज अ फंक्शन ऑफ a ओके तुम्हारा आंसर क्या होगा v इज इक्वल टू ए दी पावर थ्री बाई तो यहां पे हमने v को एज फंक्शन ऑफ एरिया a लिख दिया इस तरह हमारा ये क्वेश्चन थ्री जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ मूव करेंगे सो दिस इज अवर क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर में हमने गिवन फंक्शंस की डोमेन्स और रेंजेस फाइंड करनी डोमेन और रेंज के ऊपर हम पिछले एक लेक्चर में काफी से डिस्कस कर चुके हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट की फॉर्म्स में डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले आप डोमेन और रेंज वाले लेक्चर को देख लें और फिर उसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा फिर भी मैं दोबारा से सारे पॉइंट्स रिवाइज करूंगा आपके लिए तो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तो याद होगा आपको कि डोमेन क्या होती है किसी वो बेसिकली वैल्यूज पुट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं उन सेट ऑफ वैल्यूज को हम कहते हैं डोमेन ओके और फंक्शन में जो आउटपुट आते हैं जो वाई वैल्यूज आती हैं या जो फंक्शन वैल्यूज आती हैं? उन वो जो उसका जो सेट होता है वो तमाम वैल्यूज जो है वो फंक्शन की क्या बनाती है रेंज बनाती है तो सोल्यूशन अब देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है देर इज ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव अब डोमेन का मतलब ये है कि अब हम x की जगह क्या कुछ पुट कर सकते हैं यानी क्या कोई ऐसी चीज है कि जो हम x की जगह प्लग इन नहीं कर सकते यानी कोई ऐसा नंबर जो हम यहां प्लग इन ना कर सकते हो जिससे कोई अनडिफाइंड चीज आ रही हो यानी

पॉजिटिव इनफिनिटी ऑल रियल नंबर्स बस इसकी रेंज क्या होगी अब क्योंकि देखिए एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर सकते हैं जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो इट मीन्स यहां पे जो रेंज होगी वो भी क्या होगी द सिर्फ ऑल रियल नंबर्स फिर मैं आता हूं सेकंड फंक्शन की तरफ g(x) √x² 4 तो सेकेंड फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्सर अब देखिए तो मैंने कहा था कि डोमेन फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट के अंडर जो भी चीज होगी उसको क्या होना चाहिए पॉजिटिव या जीरो हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती है. तो हम डोमेन के लिए उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करते हैं ओके तो पहले हम क्या करते हैं फाइंडिंग डोमेन तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे

इस तरह यहां से मैं प्लग इन कर दूं। तो ये है इसका मतलब ये होगा कि डोमेन में वो तमाम वैल्यूज होंगी जो माइनस टू के बराबर या बड़ी होंगी बराबर इसलिए क्योंकि यहां पे भी है। तो जो डोमेन होगी इस फंक्शन की अब सो तो डोमेन ऑफ जी जो होगी वो क्या होगी ऑल रियल रंबर्स लेस देन माइनस टू इंक्लूडिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू इंक्लूडिंग माइनस टू एंड एंड के लिए हम यूनियन यानी जब सेट्स को कंबाइन करेंगे तो यूनियन लिखेंगे infinity, तो इसकी आ जाएगी. और रेंज क्या होती है रेंज जो है रूट फंक्शन की क्या होती है या ये जीरो है देखें आप ये प्लस टू या माइनस टू ये जीरो है अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी जीरो इंक्लूडिंग जीरो ये इसकी रेंज तो कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा तो डोमेन के लिए हम स्क्वायर रूट के अंडर जो एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करेंगे और रेंज उसकी यूजली टू पॉजिटिव अगर ये सिर्फ स्क्वायर रूट टर्म है आपके पास तो जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी रेंज होगी नाउ नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन भी हमारे पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है थर्ड फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्ट एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज ग्रेटर टू माइनस वन तो ये इसकी कहेगी माइनस वन से बड़ी तमाम वैल्यूज इंक्लूडिंग माइनस वन तो डोमेन जो होगी वो क्या होगी सो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्सर पॉज़िटिव इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग माइनस वन और रेंज क्या होगी अगेन ओनली टर्म है, ये ये जीरो होगी या पॉजिटिव होगी तो जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग जीरो रेंज होगी फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री मॉड फोर्थ फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री मॉड ये मॉड फंक्शन है आपको पता है कि मॉड जो है किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव रहता है ठीक है और यहां पे हमें की जगह कोई भी नंबर नंबर रियल पुट कर सकता हूं तो जिसकी डोमेन होगी वो क्या होगी सिर्फ ऑल रियल नंबर्स वो जो रेंज होगी वो क्या होगी मॉड फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता जीरो हो सकता है या ये पॉजिटिव रहेगा तो ठीक है देखिए ये थ्री पे अगर एक्स की जगह मैं थ्री पे इन करता हूं तो ये जीरो हो जाता है जीरो टू पॉजिटिव इन जीरो जीरो से बड़ा कोई नंबर आएगा पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये इसकी रेंज होगी इस तरह अब हमने फिफ्थ फंक्शन जो है इसकी अब डोमेन और रेंज को देख लेते हैं यहां जी ऑफ़ एक्स जो है ये पीस वाइज डिफाइंड दो अलग अलग पीसे फर्स्ट सिक्स एक्स प्लस सेवन है कि जब एक्स इज लेस इक्वल टू माइनस टू है और फोर माइनस थ्री एक्स है कि जब एक्स जो है वो माइनस टू से बड़ा है ये 2 है तो माइनस टू यो बराबर छोटी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन है सिक्स एक्स प्लस सेवन और उससे बड़ी के लिए फोर माइनस थ्री एक्स तो आप देख सकते हैं कि यहां पे माइनस टू से तमाम छोटे नंबर के लिए यानी जब हम प्लग इन करेंगे तो यहां प्लग इन करेंगे जरा कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर सकते हैं माइनस टू ये छोटा इस तरह यहां पे टू से बड़ा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर सकते हैं इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है और इसकी भी ऑल ऑलवेल नंबर बेसिकली पूरे फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी कोई भी रियल नंबर होगी तो जो डोमेन होगी यहाँ पे जी फंक्शन की वो होगी रियल नंबर और रेंज क्या होगी क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर यहां प्लग इन कर सकते हैं यहां भी यहां भी तो उसका जो आउटपुट आएगा रिजल्ट आएगा वो भी कोई रियल नंबर होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो रेंज होगी वो भी ऑल रियल नंबर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है फंक्शन सिक्स हमें जो दिया हुआ है ठीक है यहां पे भी देखें थ्री से लेस वैल्यूज के लिए हम यहां प्लग इन करेंगे एक्स माइनस वन कोई भी वैल्यू प्लग इन करेंगे एक रियल आंसर आएगा रियल वैल्यू आएगी थ्री से बड़ी या बराबर वैल्यूज के लिए टू एक्स प्लस वन थ्री से बड़ा या बराबर कोई भी नंबर हम प्लग इन कर सकते हैं तो डोमेन यहां पे क्या होगी

फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो है जी ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्सर प्लस टू ओवर की रेशनल फंक्शन में, में अगर डिनोमिनेटर जहां जीरो हो जाए वहां ये अनडिफाइंड केस हो जाती है तो हमने डिनोमिनेटर को देखने के जीरो ना हो तो देखिए यहां पे डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे डोमेन तो निकालने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो करें जो वैल्यू आ रही है उसको हम रियल नंबर में से क्या करेंगे एक्सक्लूड कर देंगे x तो की वैल्यू माइनस तो तो नोटेशन पे भी, भी हम लिख सकते हैं कि ये वन है, तो माइनस वन से तमाम छोटी वैल्यूज और माइनस वन से तमाम बड़ी वैल्यूज माइनस वन यहां पर कैसे लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन एंड देन फ्रॉम माइनस वन टू पॉजिटिव इनफिनिटी यहां पे माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है ये होगी इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी रेशनल फंक्शन की हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं तो इसमें ये देखा जाता है कि ये तो आप देखेंगे क्या कि कि आप ऊपर नीचे इसको फैक्ट्राइज करके इसके फैक्टर्स के क्या डिनामीटर को यहां से कैंसल आउट कर सकते हैं देखें ऊपर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है अगर इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से इसके फैक्टर्स बनाऊं

अब क्योंकि यहां पे देखें माइनस वन हम प्लग इन नहीं कर सकते लेकिन क्योंकि अब यहां तो हम प्लग इन कर सकते हैं एक्स प्लस टू में अगर हम यहां पे एक्स की जगह माइनस वन प्लॉग इन करें तो क्या होगा ये हो जाएगा माइनस वन प्लस टू माइनस वन ये हो जाएगा तो माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है वन अब क्योंकि हम यहां पे माइनस वन नहीं प्लग इन कर सकते तो इट हमारे पास आउटपुट जो वन है वो भी नहीं होगा तो रेंज क्या होगा तमाम रियल नंबर होंगे और ये वन नहीं होगा वन क्यों नहीं होगा कि हमने फंक्शन के अंदर यहां पे भी माइनस वन नहीं पुट कर सकते थे और इवन के ये जो फॉर्म है एक्सप्रेस टू ये उसी की इक्वेवलेंट फॉर्म है तो यहां पे भी हमने माइनस वन नहीं पुट किया जब माइनस वन नहीं पुट किया तो उसकी वैल्यू जो वन है वो भी आउटपुट के तौर पे नहीं आएगी इट मींस यहां पे जो रेंज होगी वो क्या होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नंबर एक्सेप्टन नहीं आएगा इसको इंटरवल नोटेशन में लिखें तो माइनस इन्फिनिटी टू वन एंड देन फ्रॉम वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी Not including one. तो ये उसकी रेंज और इस तरह सेम ये प्रोसीजर हम करेंगे लास्ट फंक्शन जो दिया हुआ उसमें भी हम देखेंगे क्या फैक्टर आउट कर सकते हैं हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसल आउट कर सकते हैं अब ये जो जीएफ एक्स फंक्शन है इसके हम डोमेन कैसे फाइन करेंगे डोमेन का वही मेथड कि डिनोमिनेटर कहां जीरो हो रहा है एक्स माइनस फोर को अगर हम जीरो करें एक्स की वैल्यू आती है फोर Means, यहाँ पे हम की फोर प्लग इन नहीं कर सकते तो डोमेन जो होगी इस फंक्शन की माइनस इनफिनिटी टू फोर यूनियन फोर टू पॉजिटिव और रेंज के लिए मैंने क्या कहा था क्या करेंगे हम देखेंगे क्या हम न्यूमरेटर को फैक्टर आउट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो देखें

इनपुट नहीं हो सकता तो इट मीन आउटपुट एट भी नहीं होगा तो इट मीन फंक्शन की जो आउटपुट होंगे या रेंज जो होगी वो ऑलवेल नंबर होगा यानी माइनस इन्फिनिटी टू एट एंड देन एट टू पॉजिटिव इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडिंग एट तो ये इसकी रेंज होगी इस तरह फोर्थ क्वेश्चन में हमने

अच्छा यहाँ पे देखें हमारा जो फंक्शन है अब देखिए पे f of two is equal to minus three. तो इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन में जब हम x की जगह माइनस टू पुट करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है उसका जो रिजल्ट आता है वो माइनस थ्री आता है तो हम क्या करेंगे तो हम x को रिप्लेस कर देंगे टू से और फिर उसको किसके इक्वल कर देंगे माइनस थ्री की तो देखे सो वी पुट एक्स इज इक्वल टू टू ये फंक्शन क्या बन जाएगा जी टू क्यूब माइनस ए टाइम्स टू स्क्स बी टाइम्स टू प्लस वन और किसके इक्वल कर देंगे माइनस थ्री की सिंप्लीफाई करें फर्दर टू क्यूब इज एट एट माइनस ए टाइम्स टू स्क् टू स्क्वेयर इज फोर माइनस ए टाइम्स फोर माइनस फोर ए बी टाइम्स टू इज टू बी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री फर्दर प्लस टू बी वन इज नाइन टू माइनस नाइन माइनस फोर ए प्लस टू इज़ इक्वल ट्वेल्व ये हमारे पास ए बी में एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई इसी तरह सेकंड कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि जब हम फंक्शन में x की जगह माइनस वन प्लग इन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है आउटपुट है वो जीरो आएगा तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे अब हम फंक्शन में x को क्या प्लग इन कर देंगे माइनस वन और फिर रिजल्ट को जीरो कर देंगे तो माइनस वन यहाँ प्लग इन तो हो जाएगा माइनस वन क्यूब माइनस ए टाइम्स माइनस वन प्लस बी टाइम्स माइनस वन प्लस वन और किस इक्वल कर देंगे जीरो की, बिकॉज f ऑफ minus one is equal to zero, तो जीरो के इक्वल कर दिया। सिंप्लिफाई करें इसको भी। minus a cube क्या होगा? minus one, minus a times minus one का स्क्वायर कितना होगा? plus one, तो minus a times one is one, b times minus one is minus b, plus one is equal to zero। अब देखिए यहाँ पे minus one plus one कट जाएंगे, तो minus a minus b is equal to zero। okay, ओके, ये क्वेश्चन आ गई। और इसको मैं देखें यहां से माइनस कॉमन ले लू इस तरह लिख लिख सकता हूं, A B 0। भी लिख सकता ये ये इसको इस तरह मेरे पास सेकंड से अब हमने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हमारे पास ए और बी दोनों आ जाएंगे तो साइमल्टेनियसली हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम या में से किसी एक के कोफिशेंट सेम बना लेंगे और फिर उन उन को को आउट करते उन को करते हुए हुए टर्म्स हम फाइंड करेंगे अब देखें अगर इस इसमें फर्स्ट इक्वेजन जो मेरे पास है माइनस फोर ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दू तो क्या होगा देखिए प्लस फोर है माइनस फोर है अगर हम किसी भी क्वेश्चन में प्लग इन कर दें सपोज वन में कर टू में कर दें सेकेंड क्वेश्चन में पुट कर दें ए प्लस बी तो बी की वैल्यू माइनस टू है

40 माइनस टेन एक्स स्क्वे नंबर वन वट इज द हाइट ऑफ द स्टोन वेन एक्स इज वन सेकेंड वन पॉइंट फाइव सेकेंड एंड तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये फंक्शन दिया हुआ हाइट फंक्शन जो कि हाइट जो है यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है और टाइम को डिनोट कर रहा है यहाँ पे x. ओके okay? so, तो हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हमारे पास है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस टेन एक्स और यहाँ पे हमें जस्ट x वैल्यूज टाइम वैल्यूज दी हुई हैं तो पार्ट ए में h ऑफ हमने क्या फाइंड करना हाइट एट वन सेकेंड यहाँ पे अब हमने x को यहाँ पे वन प्लग इन कर देना 40 माइनस टेन टाइम्स वन स्क्वेयर विच इज इक्वल टू फोर्टी माइनस टेन विच इज थर्टी हाइट इज 30 मीटर इस तरह बी पार्ट सो व्हाट इज हाइट एट 1.5

now what is height at 1.7 second now at x is 1.7 aur humne height find karni hai h find karne so 40 minus 10 times 1.7 square so which is equal to 40 minus 10 times 1.7 square is 1.7 square is 2.89 so, this is equal to 40 minus 28.9, so which is equal to 11.1 टू so this is the height now second part hai question ka है when का the stone strike the ground yani jo यानी जो wo है वो ग्राउंड को कब स्ट्राइक करता है कब हेट करता है तो याद रखिए कि जब भी स्टोन जो है वो ग्राउंड को हेट करेगा तो वहां पर उसकी हाइट क्या होगी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी जीरो होगी तो यहाँ पे h जो है वो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है h जीरो होगा अब हम यहाँ क्या करेंगे सो पार्ट टू का जो सोल्यूशन होगा उसमें आप h ऑफ x जो है हाइट क्या होगी वो जीरो होगी तो यहाँ पे h ऑफ x को अगर हम जीरो कर दें तो क्या बनेगा जीरो इज इक्वल टू फोर्टी माइनस टेन एक्स स्क्वेयर कब स्ट्राइक करने का मतलब है कब हमने टाइम फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है इट जस्ट

When does it strike the ground after टू seconds? इस तरह हमारा क्वेश्चन सिक्स का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है